पूरे देश में ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में सभी दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, चाहे कितनी भी महंगी दवाई क्यों ना हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी हमने दिल्ली के सभी अस्पतालों में डिस्पेंसरियों में फ्री दवाइयां 1 फरवरी से देनी स्टार्ट की हैं। आधी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती थी, अब तो सारी यहीं से मिल रही हैं। ये अब तो पूरी मिल रही हैं, पहले नहीं मिलती थी, कुछ मिलती थी कुछ नहीं मिलती थी, अब फिलहाल पूरी दवाई मिल रही है। करंटली मेडिसिन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल, पेशेंट्स तो खुश है उनको क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में आजकल, तो वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैप्पी। मैं यहाँ का ओपीडी इंचार्ज हूँ। पहले क्या होता था कि सारे दवाइयाँ हमें नहीं मिलता था, कुछ दवाइयाँ बाजार से भी खरीदना पड़ता था। पहले डॉक्टर लिखते थे तो वो एक आधो दवाई मिलती थी, बाकी एक दो यहाँ मिलती थी, बाकी बाहर से मिलती थी, और अब दवाई मिल नहीं है। और पहले जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे ना, 10 दवाइयां अगर डॉक्टर लिखता था एक मिलती थी, बाकी कहते थे 9 बाहर से ले लेना। अब हमने ये इंश्योर किया है, सारे डॉक्टर्स को कहा है कि जितनी दवाइयां डॉक्टर लिखें वो सारी दवाइयां अस्पताल में मिलनी चाहिए। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दवाई अस्पताल में ना मिले। हमारे अस्पतालों में ब्लड टेस्ट सारे मुफ्त किए जा रहे हैं। सर पहले पैसे लगते थे ब्लड टेस्ट कराने के, हर टेस्ट के, अब फ्री में होता है और सुविधाजनक होता है। प्लेटलेट्स के लिए हमने हॉस्पिटल के अंदर उसको सेग्रीगेट करने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई है। ये हमारा वेल मेंटेन्ड कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक है। अभी जो प्लेटलेट्स हैं उनका स्टोरेज भी है, उसको हम एजिटेटर के अंदर स्टोर करते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा हॉस्पिटल को ही नहीं बल्कि डेंगू जैसे सीजन होता है उस समय हम प्लेटलेट्स पूरे दिल्ली को फ्री देते हैं। और अब ये सब कुछ यहाँ पे फ्री है, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्टिंग, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरेज, ऑल द टेस्ट एंड इंक्लूडिंग ऑल द मेडिसिंस आर गिवन फ्री टू द पेशेंट। ये कैसे हुआ, इतना पैसा कहाँ से आया सरकार के पास? हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया। जैसे 125 करोड़ का फ्लाईओवर था वो हमने 200 करोड़ का बना दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं, और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने स्टार्ट किए हैं, 100 के करीब मोहल्ला क्लिनिक हम खोल चुके हैं। वहाँ पर भी सभी लोगों को कंसल्टेशन फ्री दी जा रही है, टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। दिल्ली सरकार ने अभी 3-tier सिस्टम बनाया है। पहले लेवल पर मोहल्ला क्लिनिक होंगे, उसके बाद पॉली क्लिनिक्स खोल रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर ऐसे हम लगभग 23 पॉली क्लिनिक ऑलरेडी खोल चुके हैं। और पॉलीक्लिनिक्स में भी अगर इलाज में आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है तो आपको अस्पताल खोले जा रहे हैं। अभी जितने अस्पताल हमारे पास हैं उनको सबको उनकी बेड की स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। अभी दिल्ली में 10,000 बेड हैं, जिनको आने वाले 2 साल के अंदर हम 20,000 बेड करके दिखाएंगे। बढ़िया से बढ़िया तकनीक सरकारी अस्पतालों के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी ज्यादा बेहतर हम लोग करेंगे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा।